हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि दोस्तों हमारा जो ऑटो स्विच है दो फेज पर चालू हो जा रहा है, यानी कि दोस्तों रिले ऑन हो जा रहा है। तो दोस्तों मेरे पास एक ऑटो स्विच है, तो इससे हम बताएंगे कि कैसे आप उसे रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इसको चलाया और इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपको रिपेयर करने का तरीका बताएंगे, यानी कि दोस्तों इस वीडियो से आप दूसरा ऑटो स्विच भी रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों हमारा जो ब्लू वाला वायर है, दोस्तों हमारा जो दोनों पीएफ है यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए ये वाला दोनों, अगर आपको ऑटो स्विच में फेज नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको ये दोनों चेंज करना होगा। ये दोनों दोस्तों वैसे भी फटा हुआ दिख जाएगा आपको, तो उस दोनों को आपको बदल देना होगा अगर आपको ऑटो स्विच में फेज नहीं आ रहा है तो। दूसरा काम दोस्तों, हमारा जो ऑटो स्विच है दोस्तों लाइट तो ठीक दिखाता है, लेकिन दोस्तों हमारा रिले ऑन हो जाता है। इस कंडीशन में दोस्तों आपका जो ट्रांजिस्टर है रिले के पास, उस ट्रांजिस्टर को आपको चेक करना होगा। चेक करने का तरीका दोस्तों, आपको मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करना होगा, जिससे कि आपका 300 के नीचे रीडिंग नहीं आना चाहिए। दोस्तों 300 के नीचे रीडिंग आया तो दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, उसको आपको चेंज करना होगा। तो दोस्तों मैं इसको अभी डायरेक्ट करके आपको चलाकर दिखाता हूँ कि आपका ऑटो स्विच कैसे चालू हो जाता है ट्रांजिस्टर ख़राब होने के बाद। देखिए दोस्तों मैं इसको चलाया और मैं आपको एक वायर से इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं इस वायर का भी कटिंग कर रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस वाले ऑटो स्विच से आप कोई भी ऑटो स्विच रिपेयर कर सकते हो, कोई सा भी। तो दोस्तों हम इस वायर को लेते हैं, तो थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको हम कटिंग कर लिया है, अभी दो फेज पर चल रहा है। तो देखिए अभी रिले ऑन नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए रिले ऑन होगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों रिले का दोनों साइड वाला जो है उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए तो अच्छे से लगाते हैं, पकड़ने का तरीका नहीं आ रहा है दोस्तों क्योंकि इसमें बिजली है। तो यहाँ पर लगाते हैं, देखिए मैं लगा रहा हूँ। देखिए रिले ऑन होगा और हरे वाला जो एलईडी चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों हमारा जो एलईडी हो चल चुका है हरे वाला, तो जैसे हरे वाला एलईडी जलेगा तो समझ जाना दोस्तों हमारा जो रिले है ऑन हो चुका है। तो इस दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है ख़राब होने से कैसे चालू हो जाता है हमारा रिले। तो इस ट्रांजिस्टर को आपको बदलना होगा, कोई भी ऑटो स्विच है आपको इस ट्रांजिस्टर को ही बदलना होगा, तो आपका ऑटो स्विच रिपेयर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका ऑटो स्विच में रिले ऑन नहीं हो रहा है, वोल्टेज फेज सब कुछ सही दिखा रहा है, फिर अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमारा जो वीडियो है उसमें हमारा चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा कि हमारा रिले ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो।